हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जनाब हमने लिए 2 अदद मिल्क पैक के लीटर साइज़ के जी डिब्बे, उनके अपर पार्ट्स हमने कर दिए जी डिलीट। साथ ही हमने लिया जी कार्डबोर्ड उन दोनों साइज़ को रैप करने के लिए, और ग्लू की मदद से जनाब हमने ये इसके आगे और फ्रंट और बैक पर क्या किया जी, कार्डबोर्ड को पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इस तरह करके इसे कार्डबोर्ड को अटैच कर दिया। अब इसके बाद जनाब इसके 2 साइडों के पीस लिए हमने, और इसे जी शीशा टेप, जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है, उसे राउंड अबाउट करके इसका एक डिब्बा हमने बना लिया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास ये एक सेपरेटर मौजूद है जिसकी दरमियान से भी पार्टीशन है। अब जनाब हमारे पास ये एक रैपर था पिज़्ज़ा का खाली, हमने वो लिया और जनाब उसे मैंने किया सेंटर से कट, और उसको मैंने यूज़ कर रही हूँ जी इसको बाहर से कवर करने के लिए डिब्बे को। डिब्बे से इसका साइज़ किया मेंशन, उसे किया कट, और जनाब ग्लू की मदद से इस डिब्बे के चारों तरफ मैंने ये अटैच कर दिया। ठीक है जी, चारों तरफ से अब मैं क्या कर रही हूँ जी, इसको अटैच कर रही हूँ डिब्बे के ऊपर अपने सेपरेटर का कवर अप करने के लिए जी। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिन्हें देखते साथ ही आपके जहन में कोई आइडिया आ सकता है, आ जाता है, और आप उसे यूज़ कर लेते हैं। फिर इसको कट लगा कर मैंने अंदर की साइड पर किया जी टर्न। ठीक है, अंदर की साइड पर भी मैंने ग्लू यूज़ की और सारे पेजेस को अंदर की साइड पे किया टर्न। फिर इसके जो बैक पेज था उसको भी किया मैंने पेस्ट विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। ठीक है जी, ये सारा जनाब हमारा जी सेपरेटर की आउटर कवरिंग हो गई। अब इसे जी अंदर से भी कवरिंग करनी है। अब बाकी बचे हुए पेज को मैंने क्या किया है, उल्टा करके यानी इसकी सिंपल साइड लेकर इसको अंदर अच्छे तरीके से अटैच किया। इस तरह मेरी अंदर की साइड भी क्लीन हो गई। अब जनाब बाहर के डेकोरेशन की बारी आ गई, तो हमने क्या किया, हमने कलर्ड मार्कर लिए और लाइंस को ड्रॉ किया, और लाइंस के ऊपर क्या की, छोटी छोटी लाइंस बना दी, जिससे बड़ी ही जी एक इसकी बास्केट की क्लासिक सी लुक आ गई, सिंपल बिल्कुल। अब जनाब 4 हमने लिड लिए वेस्ट बॉटल्स के खाली, और उनको जी कलरफुल लिड्स को हमने इसकी बैक साइड पर कर दिया सेपरेटर की अटैच, और इस तरह जनाब हमारा पूरा सेपरेटर हो गया रेडी वेजिटेबल का। देखिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए ताकि हम अच्छा से अच्छा काम आप लोगों के लिए कर सकें और घर की चीज़ों को यूटिलाइज़ करके नई नई चीज़ें बना सकें। शुक्रिया।